हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फिफ्थ ओडीआई मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो चारों के चार मैच हुए हैं वो जो है इंग्लैंड ने बहुत ही आसानी से जीते हैं। इंग्लैंड बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में दिख रही है, बैटिंग में भी, बॉलिंग। हालांकि इंग्लैंड की जो है थोड़ी बहुत वीकनेस रही है, लेकिन उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि टॉप फोर जो है बहुत ही प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं, साथ ही साथ बटलर, जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इस मैच लास्ट मैच पे हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। न्यूज़ अपडेट एंड ड्रीम इलेवन टीम भी मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो फ्रेंड, मैंने ये नया मोबाइल लिया है जो कि रेडमी 5 है। तो अगर आपको इस मोबाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर अपडेट या फिर अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ताकि मैं, हालांकि मेरा जो है अराउंड 1 वीक हो चुका है लेके, तो मैं आपका इस मोबाइल का जो एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर सकूं, आप जो है बेहतरीन चीज़ जो है फ़ायदा उठा सकते हो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विकेट कीपर की। इंग्लैंड की बात करें तो जॉनी बेस्टो जो है विकेट कीपिंग करेंगे। बैट्समैन पे जो है इयान मॉर्गन, जॉनी बेस्टो, एलेक्स हेल, जो रूट, जेसन रॉय लगभग कन्फर्म है। ऑलराउंडर की बात करें मोइन अली, डेविड उली, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कैप्टन इयान मॉर्गन जो है वो चाहेंगे कि ये सीरीज जो है वनडे सीरीज एटलीस्ट जो है वॉश आउट करे, ताकि ऑस्ट्रेलिया को एक भी जीतने का मौका ना दे। वहीं पे बॉलिंग पे जो है लियम पंकित के खेलने के चांसेस इस मैच पे बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आप चाहें तो उस पर रिस्क ले सकते हैं। आदिल रशीद, मार्क वुड और क्रिक ओवरटन को हालांकि मौका मिला था लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन फिर भी एक मैच उसे अवार्ड दे सकते हैं। वहीं पर टॉम कुरान, जेक पॉल, इनमें से कोई भी खेल सकता है। तो हालांकि ये चीज़ जो है बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 के बारे में। तो विकेट कीपर पे आपके पास जो है टीम पाइन एक अवेलेबल ऑप्शन है, लेकिन बेटर ऑप्शन आपके लिए ऑफकोर्स जॉस बटलर ही रहेंगे। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें अरुण फिंच, ट्रेविस हेड, शॉन मार्स और ग्लेन मैक्सवेल और एलिस क्री में से कोई एक खेल सकता है। शायद ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे, अगर वो फिट हैं तो ज़रूर खेलेंगे, अगर वो फिट नहीं है तो नहीं खेलेंगे। अराउंड आप समझ सकते हैं 60% चांसेस है इनके खेलने के, तो आप चाहें तो इन अपने टीम में ग्लेन मैक्सवेल को रख सकते हैं। वहीं पे ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी नहीं रही है, तो अभी तक आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, लेकिन ये भी रिस्की होंगे। वहीं पे एस्टनेगर की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो ये ड्रॉप नहीं हो सकते हैं। वहीं पे जो है नेथन लाइन जो है खेलेंगे, क्योंकि प्रीवियस मैच में इन्होंने एक विकेट लिया था, हालांकि अच्छी खासी बॉलिंग की थी लेकिन सारे बॉलर को जो है मार पड़ी थी। वहीं पे अगर बात करें तो फास्ट बॉलिंग की, तो सारे के सारे फास्ट बॉलर जो है वो जो है अंडर डाउट है, तो आप चाहें तो अपनी यहाँ पे थोड़ी बहुत रिस्क आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। तो अगर आप ड्रीम इलेवन टीम, मैंने हालांकि एक बनाया था, हालांकि मैंने सेव करना मैं भूल गया, तो आपके साथ ही यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कैसे आप लोग टीम बना सकते हो इस मैच के लिए। अगर आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग कुछ भी खेल रहे हो तो आपके लिए जो है जॉस बटलर सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो मैं भी यहाँ पे जॉस बटलर को ही चूज़ करूँगा। तो आपके लिए पहले मैं बता दूँ सेफ ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या क्या रहेंगे। बैटिंग में जो रूट, अरुण फिंच, शॉन मार्च, इयान मॉर्गन, जॉनी बेस्टो, ट्रेविस हेड, एलेक्स हेल, जेसन रॉय और ग्लेन मैक्सवेल अराउंड आपके लिए थोड़ा बहुत रिस्की रहेंगे। तो इनमें से मैं किसे लेने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ। मैं यहाँ पे जो रूट को लूँगा, क्यों मैं लूँगा मैं आपको रीज़न बताता जाऊँगा, क्योंकि जो रूट जो है नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं अभी, जिस जो कि अगर एक दो अगर अर्ली विकेट मिलते हैं गिरते हैं तो इनका बैटिंग करने के जो परफॉर्मेंस चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अच्छी खासी जो स्कोर है बना सकते हैं। साथ ही साथ इनको लेने की एक और चांसेस है, क्योंकि टेक्निकली बहुत ही साउंड बैट्समैन है और वनडे के लिए आप कह सकते हो वन ऑफ परफेक्ट बैट्समैन हैं। वहीं पे इनको लेने की जो डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं,
हालांकि जो जेसन रॉय और जो जॉनी बेस्ट है, इन लोग की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही थी, तो इनको जो है उतना अच्छा मौका नहीं मिल रहा है। इसे मिनिमम 32 जो है 35 ओवर खेलने को नहीं मिल रहा है, तो किसी किसी मैच में जो है नीचे भी बैटिंग करने आते हैं। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं अरुण फिंच की। अरुण फिंच ने भी अभी तक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी, लेकिन अगर आप इसे पॉइंट टेबल में डालें तो पिछले मैच को छोड़ के इनका जो परफॉर्मेंस रहा उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस मैच में हम लोग लेंगे क्योंकि लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। वहीं पे शॉन मार्श का परफॉर्मेंस आप इस टूर्नामेंट पे बहुत ही अच्छा रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के तरफ सिर्फ यही दो बल्लेबाज को लूँगा, लेकिन इन इंग्लैंड की बात करें तो मैं आपको भी जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय को जो लेना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप चाहें तो यहाँ पे एलेक्स हेल्स, ट्रैविस हेड, इयान मॉर्गन में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, और अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप मैक्सवेल को भी ज़रूर ले सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं मार्कस स्टाइनिस के बारे में, तो इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चाहें तो ग्रैंड लीग में जो है आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। वहीं पे मैं यहाँ पे ऑलराउंडर पे सिर्फ यहाँ पे अस्टनेगर को लूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डेविड उली को लूँगा, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। आप चाहें तो मोइन अली को भी ले सकते हैं, वहीं पे जो डासी शॉट है आपके लिए फिर से रिस्की हो सकते हैं। बॉलर की बात करें तो ज़्यादातर मैं सेफ बॉलर के साथ जाऊँगा, आदिल रशीद, लेथन कुल्टर नयन, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लियम पंकित को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट का जो है प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो आप अगर एट जो है करियर की आपके पास सिर्फ माइकल नसर है, जो कि प्रीवियस मैच खेले था, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। तो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आदिल रशीद को ड्रॉप करके मैं यहाँ पे लियम पंकित को लेने वाला हूँ, और मैं शायद यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे केन रिचर्डसन को लिया है, जो कि पिछले दो मैच नहीं खेले थे। हालांकि बॉलर सारे के सारे अंडर डाउट है, तो आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रिस्क लेके यहाँ पे जेक बॉल को भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका भी खेलने का चांसेस जो है अराउंड ऐसा नहीं है कंफर्म है, लेकिन खेल सकते हैं। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में, तो कैप्टन यहाँ पे जेसन रॉय को मैं बनाऊँगा, और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अरुण फिंच को बनाऊँगा, ताकि जो है टीम थोड़ी बहुत बैलेंस रहे। अगर ये दोनों में से कोई भी टीम जीते तो हमारा प्लेयर जो है रन ज़रूर करे। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।